जयंत किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। और हाँ, एक बात बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले आज कैमरामैन और कैमरा नहीं था, तो मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो बहुत जरूरी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको सीधा लेकर चलते हैं आज हमारे फार्म में। सर्दी काफी हो चुकी है, सर्दी की वजह से अगर मैं बात करता हूँ, आज लगभग सर्दी की वजह से हमारे बर्ड में, खास तौर पे पोल्ट्री फार्म में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। अब पोल्ट्री फार्म में समस्या क्या आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्दी की वजह से हमारे बर्ड में बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं। हमारा बर्ड जो है सर्दी की वजह से बीमार हो रहा है। आप कई जगह से फोन कॉल कर रहे हैं, डेली कम से कम भी 100-200 कॉल्स आ रही है, कमेंट आ रहे हैं कि हमारे मुर्गी में जो है खांसने की दिक्कत आ रही है, छींकने की दिक्कत आ रही है, खरड़ खरड़ आवाज कर रही है, आंख मोटी हो रही है, कुछ इस तरह की समस्याएं जो है किसान के साथ चल रही हैं। और आज जो मैं आपको समाधान देने वाला हूं, बिल्कुल 100% आपको बताना चाहूंगा कम खर्चे में अपनी मुर्गी को आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा अपने फार्म में लेकर चलता हूँ। और मैं माफी चाहूंगा अगर वीडियो में आवाज थोड़ी सी कम आ रही है या क्वालिटी थोड़ी वीडियो की लो है, क्योंकि मोबाइल से बना रहे हैं। तो मैं आपको जैसे कि अपने फार्म में लेकर आया हूँ, चलिए यहाँ पर हमने एक कड़कनाथ बर्ड रखा हुआ है। और जैसा आप जानते हैं कि इस टाइम पे सर्दी के मौसम में बर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है खांसने की, छींकने की। जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमारी मुर्गी है कड़कनाथ की, इसकी जैसे आंख मोटी हो जाती है, आंख में से पानी बहता है, इस तरह की काफी समस्या है। आपको और भी बर्ड दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आंख खराब हो जाती है बर्ड की, है ना। बर्ड वजन तोड़ देता है, छींकता है, खांसता है। इसके अलावा बर्ड में खरड़ खरड़ की समस्या भी आती है, जैसे मैं आपको थोड़ा शांत होकर सुनाना चाहूंगा। ये देखिए, मतलब खरड़ खरड़ की आवाज भी आ रही है बर्ड के अंदर, और ये बर्ड की छींकने की खांसने की आवाज है। मैं आपको बताना चाहूंगा, छींकने की खांसने की आवाज है। इस तरह से हमारे दूसरे फ्लोक में जो है, इससे दूसरी तरफ जो है डबल एफ जी है। वीडियो लंबा ना हो, आर आई आर वगैरह वो सब बातें बाद की हैं, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे समाधान की तरफ, कैसे आप अपने बर्ड को ठीक कर सकते हैं बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही देसी तरीके से। और हम शुरुआत करते हैं अपने ही खेत से, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लहसुन वगैरह लगाया हुआ है। मैं फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखते हैं एक लहसुन ले लिया हमने यहाँ पर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लहसुन हरा हो या फिर सूखा लहसुन भी आप है यूज कर सकते हैं। डॉक्टर आपको तरह तरह के इलाज बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आप कोर्सोलिन दीजिए, एंड्रोफ्लोक्सिन दीजिए, इस तरह के काफी आपको बताता हूँ कि काफी तरह के समाधान डॉक्टर आपको बताते हैं, लेकिन आपकी पॉकेट के अनुसार, जेब के अनुसार काफी महंगा होता है। आज मैंने कुछ सामान तैयार किया है, एक ऐसा काढ़ा तैयार किया है जो कि काफी डॉक्टर्स की मदद से निष्कर्ष निकालने के बाद तैयार किया है, और मैं आपको लेकर चलता हूँ, बताता हूँ, साथ साथ हम बात भी कर रहे हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर। आपके जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है फार्म में, खुद की घर की या फिर थोड़ा बहुत सामान ही हमें बाहर से लेना पड़े, उसके साथ आप कैसे मुर्गियों की ये सर्दी वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जैसे कि स्टेप नंबर वन है लहसुन। लहसुन आपके पास खेत में लगा होगा, घर पे होगा, नहीं तो बाजार से ले सकते हैं, सूखा लहसुन, हरा लहसुन, कोई मैटर नहीं करता। इसमें हमने एक काढ़ा बनाया है, देखिए सामने आग जल रही है, एक काढ़ा तैयार कर रहे हैं। ये काढ़ा क्या है, किस तरह से हमने मुर्गी को देना है, क्या काम करेगा और कितने दिन में रिजल्ट देगा, आज आपको ए टू जेड बात बताऊंगा। तो जैसे आप हमारे फार्म पर आ रहे हैं, क्योंकि हाँ इतना सा जरूर कहूंगा, वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर जरूर करना, आप किस शहर से हमें देख रहे हैं ये भी कमेंट जरूर देना। अगर लाइक करते हैं, आपके द्वारा दिया गया लाइक हमारी मेहनत में 4 चांद लगा देता है। सॉरी, एडिटिंग नहीं होगी, इसलिए थोड़ी बहुत जो भी गलती होगी माफ कर देना। तो जैसे हमने देसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आग जलाकर यहाँ पर हमने एक काढ़ा तैयार कर रहे हैं। मैं काढ़ा दिखाऊं, काढ़ा दिखाने से पहले बताऊंगा इसमें हमने डाला क्या है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि एक बार दिखाओ बेटे इसको, पत्थर थोड़ा गर्म है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा खोल के। ये देखिए हमने काढ़ा तैयार किया है, उबल रहा है, एक बार वो उसको घिलाकर दिखाओ। ये देखिए काढ़ा तैयार किया है, शायद आपको धुएं की वजह से ठीक से दिखेगा नहीं, 2 मिनट रुक के आपको दिखाते हैं। ये काढ़ा इतना जबरदस्त है, आपकी जो बर्ड के अंदर अगर मैं बात करता हूं, जो समस्या है
सर्दी की, उसको बहुत बढ़िया तरीके से सोल्ड करेगा। तो इसके लिए आपको डालना क्या क्या है आपके घर का सामान, मैं बैठकर आपको बताता हूँ। जैसा कि हमने इसके अंदर आपको बताया कि लहसुन, लहसुन हरा हो या सूखा हो, जो भी हो लहसुन, आपने लहसुन डालना है। सबसे पहले लहसुन लेना है, और पर बर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, वो भी डोज आपको बताऊंगा। आपने लगभग, अगर आपके पास 100 मुर्गियां हैं, 100 मुर्गियों के लिए लगभग 6 पूरी लहसुन की, या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट है सूखा लहसुन है, तो वो लगभग 4 पूड़ियाँ जो हैं लहसुन की आपने फोकस करनी है, आपने इसी की तरफ दिखाना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, जो दूसरा रामबाण इलाज है वो है गिलोय। गिलोय आसानी से आपके खेत में मिल जाती है, हमारे यहाँ बोत लगी हुई है। अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप गिलोय मतलब ना भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन डाल देंगे सोने पे सुहागा। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने डालना है हल्दी। हल्दी घर की है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप बाजार से 5-10 रुपये की हल्दी को भी यूज कर सकते हैं। कम से कम जो आप 1000-2000 रुपये की दवाई पिला रहे हैं बर्ड को, उससे ज़्यादा काम करेगी। इसके बाद बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो है इंग्रेडिएंट है वो है काली मिर्च। काली मिर्च मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप काली मिर्च लें, इसे थोड़ा सा पीस लें। अगर आपके पास बर्ड, मैं बात करता हूँ 100 बर्ड है, तो 50 ग्राम काली मिर्च ही सफिशियंट है। काली मिर्च को हल्का सा पीस लें, आप कपड़े में रखकर जैसे भी उसे कूट लें। इसके बाद बात आता है लौंग, 8-10 लौंग, मैं 100 मुर्गी की डोज बता रहा हूँ, 8-10 लौंग, क्लोव जिसे बोल देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अजवाइन। अजवाइन हर घर में मिल जाती है, बाजार से ला सकते हैं, लगभग 5 रुपये की अजवाइन बहुत है आप 100 मुर्गी के लिए अजवाइन। और इसके बाद मैं बात करता हूँ, जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है हरी इलायची। छोटी इलायची, मोटी इलायची, दोनों में से कुछ भी मिलता है, 5 रुपये की छोटी इलायची या 5 रुपये की मोटी इलायची, एक छोटा पैकेट बहुत है इसके लिए। इसके बाद वाजिवाब सोने पे सुहागा जो है मीठा गुड़, आप लगभग आधा किलो से लेकर जो है 600 ग्राम 500 ग्राम जो है गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। और गुड़ भी डालने से क्या होगा, आपके बर्ड को जो है इसको पीने में ज़्यादा मज़ा आएगा, स्वाद आएगा। इसके अलावा बात करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, लहसुन के साथ जो अदरक का तड़का लगाना मत भूलिएगा। लगभग आप इसके अंदर जो है 200 ग्राम के आसपास अदरक का भी प्रयोग जरूर करें, और ये आपने जो है काढ़ा बनाना है, अदरक का प्रयोग करना है। इसके बाद एक चीज़ और रह गई, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ, जैसे कि नीम। नीम जो हर जगह मिल जाता है, नीम, नीम भी आपने लगभग, मैं बात करता हूँ जैसे कि लगभग 200-400 पत्तियाँ नीम की भी उसके अंदर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो आसानी से आपके घर पे, आपके फार्म पे आपको मिल जाती हैं। और इसका काढ़ा तैयार कैसे करना है, एक बार बेटा हिला के दिखाओ इसे, ये देखिए इसके अंदर हमने इन सबको मिला दिया है और ये हिला रहे हैं। लगभग हमने ये पूरा जो है पतीला भरा था हमारे पास, ये हमने तैयार किया है लगभग 500 बर्ड के लिए, तो 500 बर्ड के हिसाब से हमने इसे तैयार किया है, इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ मैं। हमने इसको तैयार किया है लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, आप आग पर, गैस पर कैसे भी इसे सेक सकते हैं। लगभग एक घंटे तक काढ़ना है, जब ये पानी आधा रह जाए, अभी इसमें 10-15 मिनट की कसर है, जब ये पानी आधा रह जाए, पानी आधा रहने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहूँगा। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखिए इसको छानना है। छानने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बार काढ़े की तरफ दिखाइए ने, छानने के बाद क्या करना है आपको मैं आपको बताना चाहूँगा। छानना कैसे है, आप कोई भी कपड़ा वगैरह जो भी है आपके पास, उस कपड़े को ले लीजिए। कपड़ा लेने के बाद जो है उसमें आप इसे छान लीजिए। छानने के लिए आप साफ बर्तन का किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये देखिए, जैसे हमने इसमें से कुछ लिया, भरा हमने, और इसमें हमने इसे छान लिया। छानने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आराम से बेटे, आराम से लगना जाए, आप इसे आसानी से छान लीजिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर ये छान कर दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि काढ़ा अभी हमारा पका नहीं है, अभी इसको थोड़ी देर कसर है अभी पकने में। तो छानने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, छानने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और ऐसा दिखने के बाद अब मैं बात करता हूँ, लगभग इस तरह का आपको दिखेगा, ये देखिए, ये काढ़ा, जबरदस्त काढ़ा तैयार हो गया आपकी मुर्गियों के लिए। इसे आप अपने जो भी, अगर ऑटोमेटिक ड्रिंकर हैं आपके, जैसे मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगे हुए हैं, तो आप जो छत पे टंकी रखी हुई है, आप टंकी में डाल सकते हैं इसे। जितना पानी आपका बर्ड 12 घंटे में कंज्यूम कर रहा है, 12 घंटे ये काढ़ा चलाना है, और 12 घंटे सादा पानी चलाना है, फिर अगले दिन फिर 12 घंटे ये और 12 घंटे सादा पानी, 4 दिन आपने इसका कोर्स करना है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ,
कि इतना जबरदस्त रिजल्ट आया, कम से कम भी मैंने 10 से 20 हजार रुपए की दवाइयां भी यूज कर ली और सब काम कर लिए, लेकिन जो इस काढ़े से जो रिजल्ट मिला बहुत ही बढ़िया मिला और आप इस काढ़े को यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करना, एडिटिंग नहीं थी, कुछ गलती हुई हो तो माफ करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।